नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गीता चंद्रन एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ और आज आपके साथ अपनी शैली के बारे में कुछ बारीकियाँ आपको बताऊंगी और कुछ गिने चुने जो मेरी रचनाएं हैं वो आपके लिए प्रस्तुत करूंगी। भरतनाट्यम एक बहुत ही प्राचीन शैली है। भारत में बहुत सारी शास्त्रीय शैलियां हैं और भरतनाट्यम उनमें से एक है। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत से जुड़ा हुआ है। यहीं ये पनपा और इसको यहाँ पे नर्चर किया गया। ये मंदिरों में पहले किया जाता था। देवदासी अपने नृत्य ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रस्तुत करती थी और फिर उसके बाद ये मंदिरों से निकला और आज इसको आप मंच में एक प्रस्तुति के तौर पे, एक परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पे इसे आप देखते हैं और ये बहुत ही प्रचलित है, न केवल भारत में लेकिन बाहर देशों में भी ये बहुत रुचि के साथ, चाव के साथ इसे देखा जाता है और सीखा भी जाता है। भरतनाट्यम हैज थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, भा, रा एंड ता। फ्रॉम भा वी गेट भावा और एक्सप्रेशन, फ्रॉम रा वी गेट रागा और मेलोडी, एंड फ्रॉम ता वी गेट ताला और रिदम। द कमिंग टुगेदर ऑफ दीज थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स मेक दिस ब्यूटिफुल स्टाइल सो एनचैंटिंग एंड सो रिच इन इट्स टेक्स्चर Indian's complexity as well. I, as a Bharatanatyam dancer, have been so closely associated with this form as a student, as a performer, and as a teacher, and have always been amazed with the kind of range that this particular form provides. The poetry that is used is so rich and so varied. The music, the Carnatic music that accompanies this particular style, has been nurtured for centuries by great performers and great teachers and great gurus. The other aspects like the philosophy, the spiritual base of the style, all enrich this style and make it a beautiful aesthetic experience. I begin today's performance to mark the 15th August that is coming, and this particular one being very special because this is the 75th anniversary of our independence. I begin with a beautiful composition dedicated to Mother India, Jayati Jayati Bharata Mata, written by none other than the great freedom fighter and freedom composer who composed during the freedom struggle, Bayur Vishwanath Shastri Garu. It's in Ragam Kamas and it describes the beauty of India, its natural bounties, the freedom that we enjoy, the equality that we enjoy. All these aspects are beautifully knitted together in this composition, which I'd like to share with you. Jayati Jayati Bharata Mata. जयति 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 भारत माता जयति ज
जयति भारत माता बुध गीता जयति जयति भारत माता बुध गीता निखिल मता वन निरता नत जन सुखिता निखिल मता वन निरता नत जन सुखिता जयति 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 भारत माता बुध गीता निखिल मता वन निरता नत जन सुखिता जयति 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 भारत माता बुध गीता निखिल मता वन निरता नत जन सुखिता जयति 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 सकल जीव समता सकल जीव समता साधु साधु विदिता 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 अखिल अखिल लोक प्रतिता परमानंद समुदिता अखिल लोक प्रतिता परमानंद समुदिता जयति जयति भारत माता जयति जयति भारत माता अगणित गुणशीला अति दयाल बाला अगणित गुणशीला अति दयाल बाला प्रकटित शुभ जाला पतित त्राण लोला प्रकटित शुभ जाला पतित त्राण लोला जयति जयति भारत माता बुध गीता निखिल जयति 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 जयति। जब आप भरतनाट्यम देखते हैं तो इसमें दो मुख्य बातें आपको अलग अलग दिखेंगी। एक है शुद्ध नृत्य है जिसमें पूरे शरीर का प्रयोग किया जाता है और सुंदर बोल बोले जाते हैं जिसके लिए नृत्य का एक बहुत सुंदर संरचना होती है। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है अभिनय। अभिनय में कविता या बहुत सुंदर कोई भी काव्य हो उसको लेते हैं और उसको संगीत में ढालते हैं और फिर अभिनय के माध्यम से उसकी जो है अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। ये दोनों जो बातें हैं अपने भरतनाट्यम के लिए बहुत ही मुख्य हैं और दोनों को सीखने में और सिखाने में बहुत साल लग जाते हैं क्योंकि रिदम इज वेरी इंट्रिकेट एंड इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन ऑल इट्स फैसेट्स एंड अभिनय इज समथिंग दैट यू नीड टू फील दैट यू नीड टू इंटरनलाइज एंड देन यू नीड टू ब्रिंग इट आउट सो दैट द ऑडियंस कैन एंजॉय
बहुत बार कहा जाता है कि अपने आप को रस में डुबो लीजिए, इतना आप रस में डूब जाएंगे कि आप जब अभिव्यक्ति करते हैं तो वो अनायास जो है वो छलक जाता है, और जो ऑडियंस है आपके सहृदयी हैं। ऑडियंस तो हम लोग कहते ही नहीं है शास्त्रीय नृत्य में और शास्त्रीय संगीत में, ये सहृदयी हैं, जिस तरीके से हम नाट्यशास्त्र में कहा जाता है। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि नाट्यशास्त्र एक टेक्स्ट है जिसे हम भरतनाट्यम और बाकी शैलियों के लिए भी हम इसे मानते हैं, और इसी से द ग्रामर ऑफ द स्टाइल इवॉल्व्स एंड इट इज इंटरप्रेटेड एंड इट इज टॉट इन अ वे दैट इट इज एडहियर्ड टू इवन टुडे वेरी वेरी केयरफुली। So the next piece that I would be presenting is Govinda Vandana. It's a special piece because this has evolved from my work in Haveli Sangeet. And this particular composition is a traditional piece that I chose. And you can see both the pure dance and the Abhinaya section. And this is dedicated to the Godhead Vishnu. Vishnu ke alag alag swaroop इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। विष्णु के विश्व रूप का जो स्वरूप है, और वो क्षीर सागर में पद्मनाभ स्वामी उनका स्वरूप है, या फिर वो कुरुक्षेत्र में पार्थ सारथी हैं वो स्वरूप है, या फिर वृंदावन में गोपियों के अपने बांसुरी की मधुर धुन से उनको एकदम चकित करके उनको मोह लेने वाले कृष्ण उनका स्वरूप है। ये सारे जो हैं एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्णा हैव बीन ब्यूटिफुली निटेड टुगेदर इन दिस पीस आई वुड बी प्रेजेंटिंग कॉल्ड गोविंद वंदना विच इज अ राग मालिका एंड अ ताल। Yeah.
कमल नाभाय नम कमल नाभाय नम कमल नाभाय नम कमल नाभाय नम कमल नाभाय नम
सागरे
शैली होने के कारण इसमें जो रचनाएं होती हैं वो ज्यादातर तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ या फिर मणिप्रवालम या मलयालम में होते हैं। क्योंकि मैं उत्तर भारत में दिल्ली में पली बड़ी और यहाँ अपनी प्रस्तुति देती थी तो बहुत बार पूछा जाता था कि भाषा जो है हमें समझ में नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि मीरा, सूर, विद्यापति, ये सब बहुत सुंदर जो उत्तर भारत के कवि रहे हैं और मैंने सोचा कि बात तो वही कर रहे हैं भक्ति काल की, जो द पोइट्री ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ सेंटिमेंट वॉज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वेरियस नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस एंड आई थॉट व्हाई नॉट टेक दीज कॉम्पोजिशंस एंड प्रेजेंट इट इन द भरतनाट्यम स्टाइल। Also, my mentor, Srimati Jamuna Krishnan, was working on all these composers and I started working with her and learning compositions from her. The next composition is by Vidyapati, a mighty poet who is considered to be the Kalidas of the East. And his compositions are so singable and so very lyrical. This particular piece is special because it's making fun of a whole lot of gods and goddesses, which is so unique to our tradition. इसमें एक गोपी जो कृष्ण के प्रेम में एकदम पागल है, वो कामदेव को बताती हैं और कहती हैं कि आप मेरे ऊपर ऐसे बाण क्यों चला रहे हो? मैं शिव नहीं हूँ, मेरे जटा नहीं है, मैंने विभूति अपने आप पर नहीं लगाया हुआ है, मेरे पास सर्प नहीं है, तो क्यों आप बार-बार मेरे ऊपर? मैं तो केवल एक गोपी हूँ जो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ। मेरा एक बहुत ही फेवरेट कॉम्पोजिशन है ये कतना बेदन।
देसी मदना मोही देसी मदना कतना वेदन मोही देसी मदना कतना वेदन मोही देसी मदना कर नहीं पर मोही जुबती जन कर नहीं पर मोही जुबती जन कतना Yeah.
एक सुंदर रचना से कर रही हूं. इन दिस कबीर सेज दैट दिस आउटवर्ड सर्च दैट वी आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन एंड वी आर इन दिस रैट रेस टू कंपीट एंड टू पुश पीपल बिहाइंड इज एब्सोल्यूटली फ्यूटाइल. ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स आर विद इन अस, द ब्यूटिफुल गार्डन्स, द अनहद नाद which we do not really listen to is constantly playing. The music is within us. The creator is within us. And the beautiful experience of rasa is all within us. But we seem to be searching it somewhere else outside of us. The actual guru is within us. This beautiful composition of Kabir is in the ragam Gamanashrama. Santo Andhadhund Andhiyara. Num tatanum 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 num tatanum.
हमारा